जैंग सपना पत्तो है एशिया कप को आगाज 30 अगस्त होने वालों है और टीम इंडिया को पहले मुकाबलो 2 सितंबर ने पाकिस्तान खिलाफ होगो। लेकिन इस मैच से पहले टीम इंडिया बहुत ही भारी गलती कर दी। टीम इंडिया जब आपकी टीम घोषित करी यानी कि 17 खिलाड़ी एशिया कप के लिए घोषित किया तो उम्र 4 खिलाड़ी ने लेना भूल गई और आज 4 खिलाड़ी ने टीम इंडिया नहीं लेकी बहुत ही बड़ी गलती कर दी। तो चलो बात करते हैं वीडियो में इन 4 खिलाड़ियों के बारे में। तो वीडियो पूरी जरूर देखियो और वीडियो चोखा लगे तो वीडियो लाइक भी करके जाओ। जैंग की यह बात तो सबने मेरा है कि टीम इंडिया एशिया कप के लिए आपकी 17 सदस्य की टीम घोषित कर दी। इस टीम को कप्तान एक बार फिर से रोहित शर्मा चुने हुए हैं और वो इस कप्तान की जिम्मेदारी हार्दिक पांड्या के हाथ में दी गई है। अगर टीम के बारे में बात करें तो पूरी टीम की डिटेल थाने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाऊंगी। और अगर टीम के बारे में थम बताऊं तो टीम में रोहित शर्मा, शुभम गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, ईशान किशन और वो कप्तान हार्दिक पांड्या के साथ साथ ऑलराउंडर में रविंद्र जडेजा भी शामिल करे हुए हैं। और बात करें बॉलर ग्रुप में तो बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है और बुमराह के साथ साथ टीम इंडिया को बॉलर मोहम्मद सिराज ने भी एशिया कप में जगह मिली है। और भी अगर बात करें स्पिनर के रूप में तो स्पिनर में कुलदीप यादव ने अब टीम में मौका दिए हुए हैं और कुलदीप यादव एशिया कप खेल सी। एशिया कप की ट्रॉफी जीतना कोई भारी काम को नहीं। टीम इंडिया से उम्मीद है कि टीम इंडिया एशिया कप आराम से जीत सके। लेकिन फिर भी टीम इंडिया कुछ खिलाड़ियों ने मिस करके बहुत ही गलत काम करे हुए। टीम इंडिया आपकी टीम तो सुन ली लेकिन टीम इंडिया की टीम में एक भी लेफ्ट आर्म पेसर कौन चुनियो यानी कि एक भी बाएं हाथ को फास्ट बॉलर कौन चुनियो और यह टीम की बहुत ही बड़ी गलती हो सके। और इन 17 सदस्यों में टीम इंडिया लेग स्पिनर और ऑफ स्पिनर ने भी कुनी लियो। लेफ्ट आर्म पेस बॉलर पाकिस्तान की टीम के लिए बहुत ही चौखो तो अगर पाकिस्तान की टीम के सामने लेफ्ट आर्म पेस बॉलर खेल तो टीम इंडिया काफी मजबूत हो जाती। और भी अगर बात करें तो टीम इंडिया का नंबर 4 पे खेलने के लिए कोई भी निश्चित खिलाड़ी क्यों नहीं। नंबर 4 की पोजीशन के लिए श्रेयस अय्यर, ईशान किशन या फिर केएल राहुल में से एक खिलाड़ी ने उतारे जाओगे। लेकिन एशिया कप आगो लेकिन अब तक नंबर 4 की पोजीशन की स्थिति कौन सुधरी तो यह भी टीम इंडिया के लिए एक समस्या ही है। एशिया कप में टीम इंडिया से बहुत ही ज्यादा उम्मीद है और सबने लगा कि टीम इंडिया एशिया कप आराम से जीत लेगी। एशिया कप में टीम इंडिया से बहुत ही ज्यादा उम्मीद है और सबने बेरा कि एशिया कप टीम इंडिया आराम से जीत लेगी। लेकिन एशिया कप जीतने से पहले टीम इंडिया ने पाकिस्तान की टीम ने हराना बहुत ही जरूरी है। और अगर टीम इंडिया एशिया कप आपका नाम कर सी तो ही टीम इंडिया से वर्ल्ड कप जीतने की भी उम्मीद बन जैसी। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर थाने वीडियो चोखा लगे तो वीडियो लाइक करियो और चैनल भी सब्सक्राइब करके जाओ।